आइए आपको बड़ी खबर बता रहे, रायपुर से आ रही है ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश का बयान आया है सामने। हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी वाले चुनाव तक रहेंगे जाएंगे नहीं। बीजेपी हमसे नहीं लड़ पा रही है तो केंद्रीय एजेंसी आई है, ईडी के माध्यम से परेशान करने का काम किया जा रहा है। भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, ईडी के माध्यम से परेशान करने का काम किया जा रहा है, ऐसा बयान सामने आया है भूपेश बघेल का। हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में अब सेंट्रल एजेंसी की दबिश होती ही क्या? जैसे सरकार बदली, वहां से जितने भी सेंट्रल एजेंसी है वो सब बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए हैं। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो फिर इस प्रकार से कर रहे हैं। उनका तो उद्देश्य ही वही है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले खूब चला था चुनाव पहले तक के, उसके बाद महाराष्ट्र में चला, यहाँ चला, उसके पहले कर्नाटक में चला था, अब यहाँ चल रहा है। तो ये कुल मिला के जो स्थिर सरकार है उसको स्थिर करना, जो बदनाम जितना बदनाम कर सकते हो बदनाम करो, और अधिकारियों को, व्यापारियों को, राजनेताओं को डराने का काम। आइए हमसे जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर। जी आदित्य जी, जिस तरह से बीजेपी हमसे नहीं लड़ पा रही है तो केंद्रीय एजेंसी आई है, ऐसा बयान सामने आया है भूपेश बघेल का, क्या अधिक जानकारी इस खबर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट में कहीं भ्रष्टाचार नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कांग्रेस की जगह की सरकारों से बहुत ज्यादा स्टेट में सरकारें, तो क्या वहां कोई ईडी की कार्रवाई नहीं होती? पिछले 1.5-2 साल से लगातार ईडी की कार्रवाइयां केवल छत्तीसगढ़ में जारी है। 4 दिन पहले ये नजर आता है कि आज ये कार्रवाई खत्म हुई, पता चला 1 हफ्ते बाद फिर कोई नई अधिकारी के यहाँ छापा पड़ गया, तो क्या ये इंटेंशनली हो रहा है? मुख्यमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा है, देखिए, कि चुनाव तक ये यही रहेंगे और सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। ये बड़ा आरोप है। देखिए, क्या सेंट्रल एजेंसियां ये चाह रही हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट जहां जहां रहे वहां सरकारों को स्थिर किया जाए? बड़ा आरोप है, देखिए, छोटा आरोप नहीं है, क्योंकि चुनाव इसी साल है और इसी साल चुनाव के पहले जिस प्रकार से लगातार कार्रवाइयां, आज देखिए आईएएस अधिकारी के घर कार्रवाई हुई है, कुछ पूर्व विधायकों के यहाँ कार्रवाई हुई, तो ये क्या इंटेंशनली किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, सरकार हर जगह चल रही है, क्या केवल भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हो रहा है या केवल भ्रष्टाचार का आरोप छत्तीसगढ़ में ही है? बात सवाल यही है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो वहां ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती, जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो पाक साफ हो जाता है। ये बड़ी बात कही है सीएम ने, और निश्चित तौर पर जो बात है उसका महत्व भी है कि क्या केवल और केवल जहां कांग्रेस सरकारें रहती है वहीं ईडी की आमद होती है, या वहीं ईडी इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है, या फिर चुनाव को प्रभावित करने या सरकार को स्थिर करने की साजिश है? कहीं ना कहीं ये बड़ा आरोप जो है ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एजेंसियां हैं उस पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मार दिया है। जी आदित्य जी, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ और जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, बीजेपी हमसे नहीं लड़ पा रही है, ऐसा बयान सामने आया है भूपेश बघेल का। हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, ऐसा कह रहे हैं भूपेश बघेल रायपुर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।